हेलो स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन बानसूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, पादपों में जल अवशोषण, जिसके कुछ टॉपिक का अध्ययन कर चुके थे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पौधों में जल अवशोषण के मार्ग। हम देंगे क्योंकि आपने 11th क्लास में प्लांट एनाटॉमी पढ़ा था, उसमें किसी जड़ की टीएस में आपने पढ़ा था कि सबसे बाहर एपिडर्मिस, जिसे बाहें त्वचा बोलते हैं, उसके बाद में कॉर्टेक्स, पल्कुट, एंडोडर्मिस, परिरम और क्या होता है जैलम, उस संरचना को आपको दिमाग में ध्यान रखना होगा। ये लोग दिमाग पढ़ चुके हैं। हम बात यहां पर यह कर रहे हैं कि मूल रोम से जल को जड़ की आंतरिक सतह तक पहुंचने के लिए तीन प्रकार के पथ होते हैं, जो आप नीचे देख रहे हैं। एपोप्लास्ट पथ, दूसरा सिम्प्लास्ट और तीसरा रसदानी पथ। तो सबसे पहले एपोप्लास्ट, इसका चिन्ह ये दर्शाया गया, तो ध्यान रखिए एपोप्लास्ट चिन्ह यहां दर्शाया गया, ये एपोप्लास्ट को बता रहा है। ये है एपोप्लास्ट, ध्यान रखें जल का प्रवाह इसके द्वारा हो रहा है। तो एपोप्लास्ट पथ क्या है कि जब पादप कोशिका में जल का प्रवाह होता है, जो कोशिका भित्ति या कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले अंतर कोशिका अवकाश, जैसे कोई भी कोशिका है, ये बलकुट की कोशिका है माना, इनके बीच में क्या है अंतर कोशिका अवकाश है। तो जब जल का प्रवाह कोशिका भित्ति या कोशिकाओं के अंतर कोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है, उसे क्या कहा जाता है, एपोप्लास्ट पथ बोलते हैं। ध्यान रखिए ये एपोप्लास्ट है, ये एक प्रकार से अंतर कोशिकीय अवकाश से होता है या कोशिका भित्ति के द्वारा, अर्थात ये कोशिका भित्ति का तंत्र है। एपोप्लास्ट पथ होता है जो संपूर्ण पादप कोशिका में फैला होता है, केवल एंडोडर्मिस को छोड़कर। यहां इसमें क्या पाई जाती है, कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है। ध्यान रखें कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है, इस कैस्पेरियन पट्टी को छोड़कर ये संपूर्ण पौधे के अंदर एपोप्लास्ट पथ फैला होता है, अर्थात कैस्पेरियन पट्टी होती है। इसमें सुबेरिन क्या जमा हो जाता है, सुबेरिन जमा होने के कारण एपो एंडोडर्मिस से आगे जो जल का प्रवाह होगा, जो आप देख रहे हैं यहां, देखिए जल इधर आ गया, किसके माध्यम से होता है, सिम्प्लास्ट के माध्यम से होता है। ये सिम्प्लास्ट को इंडिकेट करता है, ये वाले चिन्ह किसको बता रहे हैं, सिम्प्लास्ट को। तो ध्यान रखें कि एपोप्लास्ट पथ क्या है, कि जब पादप कोशिका में जल का प्रवाह कोशिका भित्ति या अंतर कोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एपोप्लास्ट पथ बोलते हैं, अर्थात यह झिल्ली को पार नहीं करता है, लेकिन एंडोडर्मिस से आगे, यह आपको ध्यान रखना है, एंडोडर्मिस से आगे इसका प्रवाह होगा, जो एक प्रकार से सिम्प्लास्ट के माध्यम से होगा, अर्थात झिल्लियों के द्वारा होगा, इसे पार झिल्ली प्रवाह भी बोलते हैं, पार झिल्ली प्रवाह के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान रखना है कि पादपों के अंदर जल प्रवाह का मुख्य पथ कौन सा होता है, एपोप्लास्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें वनकुट की कोशिकाएं होती हैं, जो कैसी बंधी होती हैं, ढीली बंधी होती हैं, जिससे जल के प्रवाह में बाधा उत्पन्न नहीं होती है, यह आप ध्यान रखें। दूसरा सिम्प्लास्ट पथ ध्यान रखें, ये आपको जाना है सिम्प्लास्ट पद क्या है, कि जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह होता है, जो प्लाज्मोडेसमेटा, ये प्लाज्मोडेसमेटा है ध्यान रखें, अर्थात जीव द्रव से होते हुए होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट। जल का प्रवाह आप इनकी इसी सिम्प्लास्ट को दर्शाता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इससे जाता है प्लाज्मोडेसमेटा में,
अर्थात यह प्राशन क्रिया के द्वारा होता है, प्राशन क्रिया के द्वारा होता है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। तीसरा राजधानी पथ व्यक्ति का, राजधानी पथ क्या है इसके चिन्ह को यह बताया जा रहा है। देखिए सभी में देख रहे हैं कि जब जल का प्रवाह यानी जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव कला से होते हुए होता है, न कि प्लाज्मा डेसमेटा से। जीव द्रव कला से होते हुए हो रहा है, इसमें प्लाज्मा डेसमेटा से नहीं होगा, उसके बाद में किससे जाएगा? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होती है? रिक्तिका की झिल्ली। और उसके बाद में रिक्तिका से होता हुआ जल का क्या होता है? प्रवाह होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? रसधानी पथ बोलते हैं। ध्यान रखें, तो आप समझ चुके हैं एपोप्लास्ट कोशिका भित्ति का तंत्र है या कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले अंतर कोश के अवकाश के द्वारा होता है। सिम्प्लास्ट सभी देख रहे हैं कि किसकी सहायता से? प्लाज्मा डेसमेटा। कि जब जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा डेसमेटा के द्वारा होता है या जीव द्रव से होते ही होता है, उसे क्या बोलेंगे? सिम्प्लास्ट। और रसधानी आप समझ रहे होंगे व्यक्ति के पद है, अर्थात ये प्लाज्मा डेसमेटा से नहीं होता है। तो ध्यान रखें, तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि पादपों के अंदर, अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, आप ध्यान रखेंगे कि पादपों के अंदर जल प्रवाह का मुख्य पथ कौन सा होता है? एपोप्लास्ट पथ। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर वल्कुट की कोशिकाएं कैसी बंधी होती है? ढीली बंधी होती है। और उसके बाद में ढीली बंधी होने के कारण इसके अंदर प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो जल कैसे जा रहा है कि एपोप्लास्ट की बात करें कि एपोप्लास्ट में यहां तक गया, उसके बाद में क्या की? कैस्पेरियन पट्टी, इसमें सुपेरियन जमा है, एपार्गम में, तो जल इसमें आ जाएगा। उसके बाद में जल किसमें चला जाएगा? परिराम से होता हुआ किसमें पहुंच जाएगा? जैलम में, और जैलम के द्वारा पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंच जाएगा। यदि हम सिम्प्लास्ट की बात करें तो सिम्प्लास्ट में प्लाज्मोडेसमेटा से एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से परिराम में, और परिराम से किसमें चला जाएगा? जैलम में, और जैलम से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाएगा। राजधानी पथ देख रहे हैं कि राजधानी एक प्रकार से किसी रिक्तिका से होता होगा, यानी जीव द्रव कला से होता हो जाएगा, प्लाज्मा डेसमेटा से नहीं जाएगा। ये देख रहे हैं इसको बताएगा, राजधानी पथ को बताएगा। तो ये है पादप में जल अवशोषण के मार्ग, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और राजधानी पथ। तो इनमें जल प्रवाह का मुख्य पथ कौन सा होता है? एपोप्लास्ट। राजधानी पथ भी प्राशन क्रिया के द्वारा होते हैं, अर्थात इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अपना पादपों में जल के मार्ग का टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।